पान नहीं कर सकती। तो कृष्ण पत्नियों ने झूठ बोल दिया, ये दूध भगवान श्री कृष्ण ने ही भेजा है। जैसे ही सुना कि कन्हैया ने भेजा है, वो गरम गरम दूध श्री राधा जी ने हाथ में लिया और गड़गड़ करके पी गए। कृष्ण पत्नियों को श्री जी ने पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। और जब वो पत्नियां वहां से लौट कर आईं, तो उन्होंने देखा कि कन्हैया पलंग पर लेटे हैं और उनके पैरों में बड़े बड़े फौले पड़े हुए हैं। तो कृष्ण पत्नियां पूछते हैं, कन्हैया कहीं गए थे क्या आप? है जलती हुई बालू में बिना पादुकाओं के कहीं गए थे क्या? तो कहा, नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। फिर आपके पैरों में ये छाले कैसे पड़ गए? तो भगवान ने कहा कि आप कहाँ गई थी? बोले, हम तो श्री जी के यहाँ गए थे। आपने क्या किया? हमने दूध बोल दिया, ये दूध आपने भेजा है, गरम दूध था। फिर एक नहीं सुनी उन्होंने, वो गरम गरम दूध पी गई। तो कन्हैया कहते हैं, देखो श्री राधा जी के हृदय में मेरे चरणों का निवास है और मेरे हृदय में श्री राधा जी के चरणों का निवास है। तुमने गरम गरम दूध श्री जी को पिलाया, इसलिए उस गरम दूध के कारण मेरे चरण पड़ गए। ऐसी श्री जी की महिमा, जिनके चरण भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वास करते हैं। आओ तुम श्री जी से हम प्रार्थना करें तो कुछ कृपा हमारे ऊपर कर दें कि हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें भी कृष्ण प्राप्ति हो जाए। सरस्वती सोरी जनता के यशी किशोर।